बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो नंबर थ्री के ऊपर है। नंबर थ्री में कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं जो मैं चाह रही थी कि मैं आपको बताऊं, और ये रिजल्ट्स जो हैं फिर आगे जाके हमारे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक लीमा लिखा हुआ है, लेट करें कि डी आपके पास एक कोई भी नंबर है जो कि ग्रेटर देन वन है, और बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ एन इंटीजर एन। एन कोई भी इंटीजर है और इसका एक डिवाइज़र डी है, और डी के बारे में फैक्ट है कि डी जो है वो ग्रेटर देन वन है। देन वी हैव टू शो दैट डी इज़ अ प्राइम नंबर। अब इस जो लीमा का जो स्टेटमेंट है उसका जो मेन रिजल्ट है वो मैं आपको बता दूँ। ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास एग्जिस्ट करता है, जब आप उसके डिवाइजर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिवाइज़र निकलता है वो आपके पास एक प्राइम नंबर निकलता है। यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइज़र निकलता है वो आपके पास एक प्राइम नंबर निकलता है। डी जो है यहाँ पे वी हैव टू शो दैट डी इज़ अ प्राइम नंबर। ये आम लाइफ में, रियल लाइफ में भी देख लें, जितने भी नंबर्स हैं आप जब आप उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जब आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो स्मॉलेस्ट फैक्टर जहाँ पे जाके आप एंड अप होते हैं वो स्मॉलेस्ट फैक्टर जो है वो आपके पास डेफिनेटली एक प्राइम नंबर ही निकलता है। ठीक है, ये आम लाइफ से भी आपको पता है। तो यही बात जो है एज अ रिज़ल्ट हमने यहाँ पर प्रूव कर ली। वी हैव टू शो दैट दिस स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ दिस इंटीजर इज़ अ प्राइम नंबर। इसके लिए क्या है डी, किसी भी एक चीज़ ये जहन में रखिए कि जिस भी थ्योरम में या जिस भी जगह जहाँ भी हमें किसी नंबर को अगर प्राइम नंबर प्रूफ करना है तो प्राइम नंबर के फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर कैसा होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके डिवाइजर्स जो हैं वो दो ही डिवाइजर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के दो ही डिवाइजर्स होते हैं, और वो कौन कौन से दो डिवाइजर्स होते हैं? एक प्राइम नंबर खुद अपना डिवाइज़र होता है और दूसरा डिवाइज़र वन होता है। इन दो नंबर्स के अलावा और कोई प्राइम नंबर का डिवाइज़र नहीं होता। अगर मैं शो करना चाहती हूँ डी वन इज़ अ प्राइम नंबर, तो मुझे ये शो करना है या तो डी वन के डिवाइज़र्स अगर मैं निकालूँ, सॉरी डी के डिवाइज़र्स अगर मैं निकालूँ तो या तो वो वन निकलेगा या वो डी खुद अपना डिवाइज़र निकलेगा। इसके अलावा कोई तीसरा डिवाइज़र प्राइम नंबर का होता ही नहीं है। जैसे कि आपके सामने टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, इलेवन है, इस तरह के जो प्राइम नंबर्स हैं। आपने क्या किया, चूँकि सारा काम इसके इस जिस नंबर को डी को हमने प्राइम शो करना है उसके डिवाइजर्स के ऊपर सारी बात बेस कर रही है, तो आपने क्या किया इसके डिवाइजर्स कंसिडर किया। आपने कहा सपोज़ करेंगे डी के डिवाइजर्स, कोई भी एक डिवाइज़र है डी वन, इसका जो भी डिवाइज़र आप लेंगी रैंडमली और उसको आप शो करेंगी, या तो वो वन है या वो डी है। अब जो भी डिवाइज़र है डी का, डेफिनेटली वो डी से तो लेस ही होगा या डी से इक्वल होगा, और या वो वन होगा या वन से ग्रेटर होगा। ये तो एक फैक्ट है, ये आम डिवाइज़र के ऊपर भी ये बात एप्लीकेबल होती है कि अगर डी वन जो है वो डी का डिवाइज़र है, किसी भी नंबर के जो डिवाइज़र होता है उस नंबर से लेस देन इक्वल होता है और वन से ग्रेटर देन इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी बात हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव डिवाइज़र्स की हम बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगी, आप इसमें अगर आप ये सपोज़ कर लें कि जो इसका डिवाइज़र है D जिसको हमने प्राइम प्रूफ करना है, उसका जो डिवाइज़र D1 आपने सपोज़ किया है, या तो 1 हो सकता है या वो D हो सकता है। ठीक है, हमारा टारगेट ये है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको सपोज़ करें कि ये 1 नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास रिजल्ट में आना चाहिए कि D1 जो है वो D के बराबर है। इसको प्रूफ करते हैं, इसको देखते हैं कि D1 अगर 1 नहीं है तो फिर एस D1 आपको पता है कि D का डिवाइज़र है और D जो है वो N का डिवाइज़र है, N को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है और दूसरा जो है वो किसी तीसरे को डिवाइड कर रहा है, तो फर्स्ट वाला जो थर्ड को डिवाइड करेगा, तो आपका डी वन जो है वो एन को डिवाइड करेगा। अब इस बात को देखें, जब हम ये बात कहते हैं कि डी वन एन को डिवाइड करेगा, तो हमारी स्टेटमेंट में ये है कि एन का जो स्मॉलेस्ट डिवाइज़र है वो डी है, और D1 जो है वो D से भी छोटा है, यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फिर रॉन्ग हो जाती है। हम कहते हैं स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ है कि आपके पास जो D का स्मॉलेस्ट डिवाइज़र है वो N का जो स्मॉलेस्ट डिवाइज़र है वो D है, और यहाँ पे D से भी छोटा एक स्मॉलर और स्मॉलेस्ट डिवाइज़र आपके पास आ गया D1। दिस इज़ नॉट द पॉसिबल केस। ये तभी पॉसिबल हो सकता है, अब ये जो रिज़ल्ट है ये हमें से जो है ये हमारी गिवन स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी आ रहा है, लेकिन लॉजिकली ये ट्रू भी है। तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब डी वन बज़ाहिर जो है वो डिफरेंट नज़र आए, लेकिन एक्चुअली में डी वन जो है वो डी के ही बराबर हो जाए।
तो फिर डी जो उसका स्मॉलेस्ट डिवाइज़र था तो वो स्मॉलेस्ट ही रहेगा अगर डी वन जो है वो डी के बराबर हो जाए। तो यही हमने प्रूफ करना था कि डी के जितने भी डिवाइजर्स हैं वो या तो वन होते हैं या डी होते हैं, और अगर वन नहीं होते तो फिर डी होते हैं, डी के खुद के इक्वल होते हैं। यहाँ से प्रूफ हो गया कि किसी भी नंबर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम डिवाइजर्स निकालते हैं तो जो सबसे छोटा डिवाइजर निकलता है वो डिवाइजर जो है वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है जी, ये हमारा प्रूव हो गया। हाँ, एक और रिजल्ट देखते हैं। सेकंड थ्योरम है हमारे पास, इसका भी रिजल्ट इस तरह का रिजल्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये रिजल्ट अब हम दोबारा, ये यूक्लिड लेमा आप इस तरह का मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया है। अब यही लेमा जो है ये प्राइम नंबर के साथ था। ये देखिए, पी एक प्राइम नंबर है और ए कोई भी, ए और बी कोई से दो इंटीजर्स, ए एक इंटीजर है, ठीक है, ए के इंटीजर हमें चाहिए ए। आपका सॉरी, ये यूक्लिड लेमा जैसा नहीं, ये वाला जो है रिजल्ट ये हमारा यूक्लिड लेमा से मैच करता, ठीक है। ये जो थ्योरम है हमारा, ये प्राइम नंबर है और ए जो है हमारा कोई भी इंटीजर है। आपका यहाँ ये जो थ्योरम ये शो कर रहा है कि एक प्राइम नंबर का किसी इंटीजर के साथ जो रिलेशन है वो ये होता है कि आपका वो प्राइम नंबर या तो उस इंटीजर को पूरा पूरा डिवाइड करता है या उसके साथ को प्राइम होता है, ठीक है। ये आप रूटीन लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे 2 आपका एक प्राइम नंबर है तो 2 का बाकी नंबर्स के साथ क्या रिलेशन होता है, जैसे 2 का 9 के साथ क्या रिलेशन है और 2 का 8 के साथ क्या रिलेशन है। अब 2 का 9 के साथ ये रिलेशन है कि 2 और 9 का GCD जो है वो 1 होता है, और 8 के साथ ये रिलेशन है कि 8 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में ये फैक्ट है कि प्राइम नंबर्स जो हैं, मतलब ऐसे नहीं होगा कि प्राइम नंबर का किसी नंबर के साथ जो GCD है वो 1 के अलावा कुछ निकले, ये बात याद रखिएगा। ये आपका प्राइम नंबर जैसे 2 या तो पूरा पूरा दूसरे नंबर को, दूसरे इंटीजर को डिवाइड करेगा, या फिर बिल्कुल ही उसके साथ GCD जो है वो उसके साथ को प्राइम होगा, यानी कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, बीच की सिचुएशन नहीं होगी, ये पूरी पूरी एग्जैक्ट है एक तरफ या दूसरी तरफ, यानी कि आपका प्राइम नंबर दूसरे नंबर को या पूरा डिवाइड करेगा या फिर बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि कुछ भी उन दोनों नंबर्स के दरमियान कॉमन नहीं होगा। जैसे होता है ना 4 और 6 के दरमियान जो कॉमन फैक्टर निकलता है वो 2 निकलता है, ठीक है, तो इस तरह वाली बात नहीं होगी। जैसे 4 6 को डिवाइड तो नहीं करता, लेकिन 4 और 6 के दरमियान जो कॉमन फैक्टर निकलता है, जो GCD इनका निकलता है या कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, इस तरह वाली बात नहीं है। प्राइम नंबर का रिलेशन आम इंटीजर्स के मुकाबले में दूसरे नंबर्स के साथ कुछ मुख्तलिफ होता है, तो वो दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि अगर फॉर एग्जांपल पी आपका एक प्राइम नंबर है और ए उसका कोई भी इंटीजर है, अगर तो ये प्राइम नंबर इस इंटीजर को डिवाइड करता है देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, तब तो प्रूफ करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये सपोज करते हैं, हम इसको प्रूव इस तरह से करेंगे, हम सपोज करेंगे कि पी एक प्राइम नंबर है और ए कोई भी इंटीजर है और हमारा प्राइम नंबर उस इंटीजर को डिवाइड नहीं करता। अब अगर डिवाइड नहीं करता तो फिर दूसरा वाला ऑप्शन होगा, अगर तो डिवाइड करता है देन ओके, अगर डिवाइड नहीं करता तो फिर इसका मतलब है वी हैव टू शो कि वो नंबर फिर एक पी के साथ को प्राइम है। अब शो हमने ये करना है, लेकिन हम ये सपोज करते हैं कि उस नंबर का पी के साथ जो GCD बनता है वो डी और डी आगे जाके 1 बन जाएगा। अब चूँकि GCD है ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, अब दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और पी चूँकि आपने खुद ही कहा है कि प्राइम है स्टेटमेंट में, तो प्राइम नंबर के जो डिवाइजर्स होते हैं या वो 1 होता है या पी होता है, बट डी जो है अगर मैं लेती हूँ पी, दो केसेस को, दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं, अगर डी पी हो जाता है तो फिर इस पी को बैक सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि पी आपका ए को डिवाइड करता है, लेकिन आपने इस अपोजिशन में क्या लिया हुआ है कि पी और ए, पी जो है वो ए को डिवाइड नहीं करता, तो फिर ये वाली जो आपकी और के बाद वाली जो ये बात है, ये बात हमारी ही इस अपोजिशन के कॉन्ट्राडिक्ट जाती है। तो दूसरा जो ऑप्शन है कि डी इक्वल्स टू 1, ये फिर एक्सेप्टेबल होता है, डी जो है वो 1 है, यानी कि प्रूव हो जाएगा ए और पी का GCD जो है वो आपके पास डी है। ये तो जी सिंपल था। एक और कोरोलरी है, ये जो कोरोलरी है यूक्लिड लेमा से मैच करती है। यूक्लिड लेमा में आपके पास ये रिजल्ट था कि अगर आपका एक इंटीजर जो है वो कोई से दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और आपका ए जो डिवाइजर है वो इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर को प्राइम है तो दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यही बात अब प्राइम नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ये कोरोलरी आपके पास है, इसी से रिजल्ट ये निकला है, लेकिन ये प्राइम नंबर्स के ऊपर लगाएंगे कि पी अब आपके पास पहले डिवाइजर ए कोई भी था, लेकिन अब यहाँ पे डिवाइजर जो है वो आपके पास एक प्राइम नंबर है।
अच्छा जी, आपने जो है पी, आपके पास एक प्राइम नंबर है और इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो इसमें से हमने शो करना है कि आपका प्राइम जो है या ए को डिवाइड करता है या बी को डिवाइड करता है। इसमें हम लेट इस तरह से करेंगे, सपोज स्टार्ट करेंगे ए को डिवाइड नहीं करता, अगर प्राइम नंबर ए को डिवाइड नहीं करता तो फिर जैसे कि ऊपर वाले रिजल्ट से आपको पता है कि प्राइम नंबर का किसी भी दूसरे इंटीजर के साथ दो एक्सट्रीम रिलेशंस हो सकते हैं, या तो पूरा पूरा डिवाइड करता है वो नंबर उसको, प्राइम नंबर आपका, तो या तो आपका प्राइम नंबर जो है पूरा पूरा आपके किसी इंटीजर को डिवाइड करेगा, या वो प्राइम नंबर जो है उसके साथ को प्राइम होगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपका प्राइम नंबर जो है वो किसी इंटीजर को डिवाइड नहीं करता, तो फिर दूसरा ऑप्शन जो उसके, जैसे कि आपने ऊपर प्रूफ किया, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि आपका वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर के साथ को प्राइम, ये नंबर जो है को प्राइम है। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि यूक्लिड लेमा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यूक्लिड लेमा क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और किसी एक के साथ को प्राइम होता है, तो फिर दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो दूसरे को डिवाइड करता है। तो यही बात जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि पी इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, एक के साथ को प्राइम है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि पी जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे यूक्लिड लेमा हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये नंबर, ये बात जो है एक आम नंबर के लिए भी ट्रू है और यही रिजल्ट जो है वो प्राइम नंबर्स के लिए भी ट्रू है। इसके बाद आते हैं हम अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स आपको ये कहता है कि जब हम कोई भी एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और हम उसकी प्राइम, उसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आपने बचपन में फैक्टराइजेशन तो पढ़ी होगी कि हम नंबर्स की किसी एक इंटीजर की कैसे फैक्टर्स बनाते हैं, और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ी होगी। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ डील करता है। ये आपसे कहता है कि हर पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होती है। और ये देखें, मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगी, जस्ट लाइक जैसे आपके पास एक नंबर है 10, आप इसके फैक्टर्स बनाएं, आप इसके जो फैक्टराइजेशन करते हैं वो आप इसके 2 × 5 करते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 8, आप इसके फैक्टर्स बनाएं, आप इसके फैक्टर्स बनाती हैं 4 × 2। ये भी फैक्टर्स है, बट दिस फैक्टराइजेशन इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन है, बिकॉज इसमें जितने भी आपको फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसमें आपको एक कंपोजिट नंबर नज़र आ रहा है, तो अगर आप इसको फर्दर और डिज़ोल्व कर लेती हैं, तो 4 को आप डिज़ोल्व करती हैं 2 × 2 और 2 में, अब ये जो फैक्टराइजेशन 8 की आपने बनाई है, दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये फर्दर डिजॉल्वेबल नहीं होती, मतलब आप इसके फर्दर और डिजॉल्व करके मजीद फैक्टर्स नहीं बना सकते, ये सबसे मिनिमम फॉर्म होती है। जैसे कि अभी पिछले में हमने थ्योरम एक रिजल्ट पढ़ा है कि जब भी किसी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइज़र हम निकालते हैं, वो स्मॉलेस्ट डिवाइज़र आपके पास प्राइम नंबर ही आता है, ठीक है जी। तो ये जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं, इन फैक्टर्स में ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अच्छा, एक तो ये कि हर नंबर जब भी आप उसे, ये आपका जो ये फंडामेंटल थ्योरम है ये कहता है कि जब भी किसी नंबर की पॉजिटिव इंटीजर की आप फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, हर इंटीजर की प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ठीक है जी। और चाहे वो इंटीजर खुद प्राइम हो या वो इंटीजर जो है वो, अगर तो वो नंबर खुद प्राइम है, जैसे कि 7 है, तो 7 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें खुद 7 ही आएगा, ठीक है। तो 7 × 1 जस्ट लाइक दिस, बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम इसलिए बस 1 को इग्नोर करेंगे। तो हमारा मकसद, और जो कंपोजिट नंबर है वो तो वैसे ही, वो भी पॉसिबल है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की जा सके। सो ये जो रिज़ल्ट है, एक तो ये आपको बताता है कि हर नंबर जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। दूसरा जो रिज़ल्ट ये बता रहा है वो ये बता रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं होती। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये लिखा, 10 के फैक्टर्स लिखे 2 × 5, अब कोई और लिखता है तो इसके फैक्टर्स इस तरह से लिखता है 5 × 2। तो ये देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ने 5 पहले लिख लिया और 2 बाद में लिख लिया, किसी ने 2 वाला फैक्टर पहले लिख लिया, 5 वाला बाद में लिख लिया, ये फ़र्क ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये फ़र्क नहीं हो सकता कि इसकी, जब आप एक बंदा 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 बने, और दूसरा बंदा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो उसके अंदर 2 और 5 से हट के कोई और नंबर आए, ये कोई और, ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को यूनिकनेस कह रहा है, कहता है कि जब फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होती है, यानी कि फैक्टर्स आगे पीछे जो हो सकते हैं तरतीब में,
लेकिन वो फैक्टर्स यूनिक होते हैं। ये बात उसने ऐसे यहाँ पे लिखी है, वो आपसे कहता है कि इन विच अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब जैसे मैंने 10 की फैक्टराइजेशन में एक दफ़ा लिखा 2 × 5 और एक दफ़ा लिखा 5 × 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके फैक्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं इन द प्रोडक्ट, लेकिन वो रहते यूनिक ही हैं, यानी कि टू यानी कि दो ही फैक्टर्स रहेंगे 10 की फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक 2 होगा एक 5 होगा। आप 2 और 5 को आगे पीछे कर सकते हैं तरतीब में। अब जैसे कि उसने इस बात को इस तरह लिखा हुआ है कि जैसे n की एक फैक्टराइजेशन आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे की और एक प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे की, बज़ाहिर ये सारे p's, अच्छा ये सारे p's और ये सारे q's ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, बज़ाहिर p's और q's डिफरेंट प्राइम नंबर्स नज़र आ रहे हैं और देखें तादाद भी मुख्तलिफ लग रही है बज़ाहिर आपको, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली में ये तादाद भी बराबर है और आप इसको रीशेप कर लेंगे, वही वाला हिसाब है कि हो सकता है कि इसका मतलब 2 हो और इसका मतलब जो है वो इसका मतलब 2 हो, Q2 का मतलब भी 2 हो और P1 का मतलब भी 2। अब 2 यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 जो है सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ है, हो सकता है Q1 का मतलब 5 हो और P2 का मतलब 5 हो, यहाँ पे 5 जो है सेकंड पोजीशन पे पड़ा हो और यहाँ पे 5 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हो। तो आफ्टर रीअरेंजिंग आप रीअरेंज जब कर लेंगे, रीनेम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका हो सकता है कि P1 और Q2 की वैल्यू सेम हो, P2 और Q1 की वैल्यू सेम हो, तो फिर रीअरेंजमेंट के बाद पता चलेगा कि ये बज़ाहिर तादाद मुख्तलिफ नज़र आ रही है, वो तादाद भी सेम है और वो फैक्टर्स की सिर्फ पोजीशन चेंज थी और कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आता है, अब इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये शो करना है कि हर नंबर जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अगर उसके लिए हमने क्या किया कि वो नंबर जो जिसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जाहिर है वो नंबर आपका 1 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि जब अगर वो 1 होगा तो 1 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो जब भी किसी इसमें पहली बात तो ये कि जिस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बना रहे हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 इंटीजर। अच्छा जी, हमने कोई इंटीजर n ले लिया जो कि ग्रेटर देन 1 है और फिर हमने कहा उसकी प्राइम फैक्टर हमने उसको तलाश किया, जब डेफिनेटली कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होता है। अभी जो पीछे मैंने आपको रिजल्ट बताया है इसी लेक्चर के स्टार्ट में, जो हमने रिजल्ट किया वो यही बता रहा था कि किसी भी नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइज़र होता है वो प्राइम होता है। तो n की भी जब डिवाइज़र निकालेंगे तो उसमें से एक डिवाइज़र सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो प्राइम निकलेगा, ठीक है। अगर तो अच्छा, फिर दो केसेस आते हैं कि वो जो n आपने सेलेक्ट किया है क्या वो n खुद प्राइम है। अगर तो वो खुद प्राइम है तो फिर उसकी फैक्टर्स में खुद ही वो प्राइम नंबर आ जाएगा, तो फिर तो हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए और कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर डन, ठीक है जी। लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, जैसे कि 7 था वो खुद प्राइम था, उसके फैक्टर्स में 7 खुद आ रहा था, तो आपको और कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर प्राइम है, जैसे कंपोजिट है, जैसे कि 8 है, जैसे कि 10 है, तो फिर जब आप उसके फैक्टर्स बनाती हैं, तो फिर जब आप उसके फैक्टर्स तलाश करती हैं या उसके प्राइम डिवाइजर्स निकालती हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसका प्राइम डिवाइजर ज़रूर होगा। सपोज़ करें कि n जो है वो डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर P1 से डिवाइड है, जब आप उसे P1 से डिवाइड करती हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे डिवीज़न आपको करके दिखा दूँ, n को आप P1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोई कोशेंट आपके पास N1 आएगा, तो P1 N1 और डिवाइड करती हैं और आपके पास रिमाइंडर जो पूरा बचता है, मतलब 0 आपके पास रिमाइंडर बचता है, यानी कि आप कह रही हैं कि आपका n जो है वो P1 से डिविजिबल है, ये प्राइम डिवाइज़र है, इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि P1 N1 कोशेंट को आप डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये फेस, ये शेप बन जाएगी जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब इसमें देखना है कि ये तो आपके पास प्राइम नंबर है, ये N1 क्या है। अब N1 के ऊपर भी दो पार्ट्स, इसके दो केसेस बनेंगे, हो सकता है मे बी N1 आपके पास प्राइम खुद हो और हो सकता है N1 जो है कंपोजिट है। अगर तो N1 प्राइम नंबर है तो फिर इसकी शेप इस तरह से बन जाएगी कि n इज इक्वल्स टू P1 N1, इस तरह से है ना आपके पास। अगर तो N1 प्राइम है तो फिर इसका मतलब है कि ये कोई प्राइम है, सपोज करें कि ये कोई प्राइम क्यू है मिसाल के तौर पे। नाउ वी आर डन, इस स्टेज पे हम स्टॉप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो n नंबर है, हमारा टारगेट क्या था कि n को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जो 1 से बड़ा होता है उसको शो करना है कि उस प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी पॉसिबल है, यानी कि उसके जब आप फैक्टराइजेशन करती हैं उसमें सिर्फ आपको प्राइम नंबर नज़र आए, तो ये आपको प्राइम नंबर नज़र आ रहे हैं, दैट्स ऑल, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये n प्राइम नहीं होता, ये कंपोजिट होता है, तो फिर इसको बाहर निकालें और इसको अलग से डील करें। इफ़ n इज़ अ प्राइम देन वी आर डन, अदरवाइज अगर n प्राइम नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इस n को बाहर निकालें और इसका प्राइम डिवाइज़र तलाश करें। इसका सपोज करें कि कोई प्राइम डिवाइज़र जो है वो P2 है, ये आपका N1 है मिसाल के तौर पे, ये आपका N1 है और इसका डिवाइज़र प्राइम डिवाइज़र P2 है, जो कि N2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको रिमाइंडर जो है वो 0 देता है।
ठीक है, तो फिर एन वन का जो प्राइम डिवाइजर आपने पी टू निकाला है, इस तरह से इसका कोई फैक्टर, इस तरह से ये इक्वेशन बनती है, रिविजन इक्वेशन। अब इस एन वन को जाके बैक सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास आता है जी एन इज इक्वल टू एन टू पी टू पी वन। अब इस एन टू के ऊपर फर्दर वैसे ही प्रोसेस चलाएंगे जैसे हमने एन वन के ऊपर चलाया था। ये एन टू क्या है, अगर तो एन टू हमारे पास कोई प्राइम नंबर है तो फिर आपकी ये शेप कैसी बनेगी, फिर आपकी ये शेप बनेगी एन इज इक्वल टू कोई प्राइम नंबर क्यू है और पी टू पी वन। अब इसके अंदर आपको एन की कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, आपको तीन प्राइम नज़र आते हैं, अब फर्दर इसकी और फैक्टर्स नहीं बन सकते। लेकिन अगर एन टू प्राइम नहीं है, एन टू कंपोजिट है, तो फिर यही सिलसिला दोबारा चलेगा। हम एन टू को निकालेंगे, एन टू के अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन जाके बैक सब्सटीट्यूट करेंगे और ये प्रोसेस चलता जाएगा आपके पास। बिल्कुल ये हिसाब ऐसा है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि एट के फैक्टर्स बनाए थे, दो फैक्टर्स बनाए थे, उनमें से एक फैक्टर जो था वो प्राइम नंबर था और दूसरा फैक्टर आपके पास कंपोजिट था। तो उस कंपोजिट को मैंने अलग से निकाला और उसके अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दो मेरे पास प्राइम आ गया और उसको बैक सब्सटीट्यूट किया तो एट की फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब ये दोनों, बल्कि ये तीनों नंबर जो हैं वो प्राइम हैं, फर्दर ये डिसॉल्वेबल नहीं है, फर्दर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम स्टॉप हो गए, ये प्रोसेस हम तब तक चलाते जाएंगे, इसमें तो खैर एक स्टेप में ही हम स्टॉप हो गए, ये प्रोसेस आप तब तक चलाते जाएंगे जब तक कि फाइनल आपको ऐसी शेप नहीं मिल जाती, फाइनली आपको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको फैक्टराइजेशन नहीं मिल जाती। तो ये प्रोसेस आ रहा है, जो भी आप नंबर लेंगे वो फाइनाइट स्टेप्स में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और फाइनली आपके पास इसी तरह से, देखिए पहले एन को के अंदर एक प्राइम नज़र आ रहा था, अब आपको दो प्राइम नज़र आ रहे हैं, और करते करते जहाँ तक ये चलती है रिविजन आप चलाएँ और फाइनली आपको इस तरह की शेप मिलेगी कि n कैन बी रिटन एज अ आर प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ आर प्राइम्स। अब आर प्राइम का मतलब दो प्राइम भी हो सकते हैं, तीन प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, चार भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पोर्शन तो हमारा प्रूव हो गया और उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है, वो सेकंड पोर्शन में आपसे ये कहता है कि आपने यूनिकनेस शो करनी है कि आपका हर इंटीजर यूनिकली रिप्रेजेंटेबल है एज अ फॉर्म ऑफ प्राइम्स। लेकिन मैं उसे उल्टा लेके चलूँगी, मैं सपोज करूँगी कि n कैन बी रिटन, n हैज़ टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, और ये पी आईज और क्यू आईज अलग अलग प्राइम्स हैं। इसके अलावा ये भी अलग, ना सिर्फ ये कि अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, बल्कि यहाँ पे जो प्राइम की तादाद, इसकी जो प्राइम फैक्टर्स की तादाद है वो आर है और यहाँ प्राइम फैक्टर्स की तादाद ऐसे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स की तादाद भी मुख्तलिफ है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हो सकता है कि 10 को 2 इंटू 5 भी लिखा जाए या 5 इंटू 10 भी लिखा, 5 इंटू 2 भी लिखा जाए, लेकिन तादाद तो सेम है ना। तो ये तादाद के ऊपर भी मैं बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रही हूँ, बिल्कुल ही अपोजिट बात लेके चल रही हूँ, आगे जाके कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, ठीक है। तो आगे जाके कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, तादाद के ऊपर भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी और ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी कि पी आईज और क्यू आईज डिफरेंट नहीं है, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, सपोज़ किया कि आर एस के बराबर नहीं है, अगर आर एस के बराबर नहीं है तो क्या है, आर दो नंबर्स या तो एक दूसरे से के बराबर होते हैं या फिर उनमें से कोई एक दूसरे से लेस होता है। तो हमने सपोज़ किया कि आर लेस है एस से, आर का मतलब 10 है मिसाल के तौर पर, अगर ये 10 फैक्टर्स लिखे हुए तो ये आपके पास 11 फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। उसमें आपने क्या किया, चूँकि आप इसके ऊपर ज़रा सा गौर करें कि जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, एन के ये फैक्टर्स पी वन से पी आर तक लिखे हुए, ये सारे फैक्टर्स जो हैं एन को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, ये तो फैक्ट आपको समझ आ ही गया होगा। इसका मतलब है पी वन भी, पी टू अप टू पी आर जितने भी हैं वो सारे के सारे एन को डिवाइड कर रहे हैं, बट एन जो है उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्यू की फॉर्म में, इसका मतलब है मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि P1 भी डिवाइड कर रहा है, P2 भी डिवाइड कर रहा है, तो मैंने I के बजाय मैंने यहाँ पे कोई एक प्राइम ले लिया। सपोज़ करें कि P1 जो है वो N को डिवाइड कर रहा है, तो N की क्यों यहाँ पे मैंने Q रिप्रेजेंटेशन लिख ली, इसका मतलब है कि आपका P1 जो है वो Q's के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। अब आप यहाँ पे गौर कर लें कि आप ये सारे Q's जो हैं ये प्राइम हैं और आपके ये P भी प्राइम है, और मैंने माना हुआ है सपोज़ किया हुआ यहाँ पे P's और Q's डिफरेंट प्राइम है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कि मिसाल की क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 7, एक नंबर लिखा हुआ है 5 और एक नंबर लिखा हुआ है 11, ये भी एक प्राइम है और ये भी प्राइम है, क्या ये पॉसिबल है कि एक डिफरेंट प्राइम डिफरेंट प्राइम्स के प्रोडक्ट नंबर्स को के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा हो? नॉट पॉसिबल। ये तभी हो सकता है कि 7 जो है वो 7 के प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकता है, 7 डिफरेंट प्राइम्स के प्रोडक्ट को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। तो यही बात यहाँ पे आती है कि ये एक प्राइम है और ये प्राइम्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, नॉट पॉसिबल कि अगर इनमें से कोई एक प्राइम जो है वो P1 के बराबर ज़रूर होगा, या आप ये कह सकते हैं कि एक प्राइम जो है वो P1 का मल्टीपल ज़रूर हो सकता है, या तो ये हो कि इसमें से एक प्राइम 7 खुद हो जाए, या ये हो कि हाँ इस तरह का सीन हो कि एक प्राइम जो है वो इस तरह करके लिखा हो
टू टाइम्स सेवन लिखा हो, सेवन का या तो सेवन खुद हो या सेवन का कोई मल्टीपल हो, ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब है आपका पी वन जो है इनमें से किसी एक प्राइम को या तो डिवाइड कर रहा है, या आप ये डिवाइड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात आपकी ये है कि आपका पी वन जो है इनमें से किसी एक प्राइम क्यू के बराबर है। और सपोज़ कर लें वो कौन सा प्राइम है जिसके बराबर है, सपोज़ करें कि वो क्यू वन के बराबर है, हमने खुद से सपोज़ किया। अब चूंकि आपकी एन की रिप्रेजेंटेशन एक ये भी थी और एक ये भी थी, इनको इक्वेट कर लिया और यहाँ से चूंकि आपका पी वन क्यू वन के बराबर निकला, ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी चीज़ ये बची। यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये बात रिपीट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पी वन जो है वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो हमने तो कहा है कि सारे पी आईज डिवाइड करें। अब यही प्रोसेस आप रिपीट करें पी टू के साथ, पी टू भी इन प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो पी टू जो है वो इन क्यूज में से किसी क्यू के बराबर होगा। फिर हम सपोज करेंगे कि लेट अस सपोज कि पी टू जो है वो क्यू टू के बराबर है, करते कराते ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। और आर का मतलब हमने जैसे माना था आर जो है वो लेस है एस से, यानी कि आर अगर 10 है तो ये 11 है, करते कराते सारे पीस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्यूज के साथ, जो बाकी यहाँ बचेंगे यहाँ आर तक कैंसिल आउट हो गए, और ये तो आर तक थे और यहाँ आर से भी ऑनवर्ड है, बिकॉज आपने माना हुआ है कि आर जो है वो लेस है एस से। अगर आर का मतलब जो है 10 है और एस का मतलब 20 है, तो फिर यहाँ जो क्यू 10 तक पी वन पी 10 तक और क्यू 10 तक तो आपस में कैंसिल हो गए, और क्यू 11 से लेकर क्यू 20 तक जो बाकी होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे। नाउ ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ये पॉसिबल इक्वेशन है ही नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई प्राइम कुछ प्राइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद प्राइम इंटीजर्स के प्रोडक्ट का आंसर 1 आ जाए? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल सा केस आ गया। और ये क्यों आया? ये इस वजह से आया क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आर की तादाद, आर नंबर जो है यानी कि ये प्राइम्स की तादाद इन प्राइम्स से लेस है। यही बात आप रिपीट करें, दूसरा केस बनाएं, दूसरा केस आप ये बनाएं कि आप ये कहें कि आर जो है वो ग्रेटर है एस से। जब आप आर ग्रेटर एस से करेंगे तो फिर तब अगेन सेम इसी किस्म की सिचुएशन बचेगी बनेगी, आपके पास यहाँ क्यूज बच के वहाँ पीस बच जाएंगे और राइट हैंड साइड पे वन आ जाएगा, तो वो भी आपके पास एक इम्पॉसिबल सा केस जनरेट होगा। तो ना तो आपका आर लेस देन वन है, ना आपका आर जो है ग्रेटर देन वन है, एक ही ऑप्शन बचता है, आर जो है वो इक्वल टू एस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके ये वाली जो प्राइम्स की तादाद है जो हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट में कहा था कि ये जो प्राइम रिप्रेजेंटेशन है और ये जो प्राइम रिप्रेजेंटेशन है इसमें तादाद भी प्राइम्स की मुख्तलिफ है, तो वो मुख्तलिफ नहीं है, वो इक्वल एक। और दूसरी बात ये कि ये जो सारे प्राइम्स हैं वन बाय वन, जैसे ये पी वन क्यू वन के बराबर आ गया, पी टू क्यू टू के बराबर आ गया, रीनेम करने से आपको पता चलता है कि ये प्राइम्स भी करिस्पॉन्डिंगली अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है कि पी वन जो है यहाँ पे जैसे ये Q2 का मतलब हो P1, आगे Q5 का मतलब P2 हो, इस तरह से रीअरेंजमेंट अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ नंबर्स की प्राइम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है, बाकी ये है कि प्राइम्स सेम ही हैं। तो ये यूनिकनेस शो कर दी, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट ज़रूर दें इसको देखने के बाद, एंड थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।